हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने चंडीगढ़ के प्लस वन के एडमिशन फॉर्म भरे हैं और जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें कब स्कूल अलॉट होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि आपको कब कौन सा स्कूल मिलेगा। बहुत सारे आपके कमेंट्स मुझे मिले जिसमें आपने पूछा कि मुझे मेरी इतनी परसेंटेज थी और मुझे ये स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी ये जो क्वारीज हैं इनका एंड द एंड होने वाला है 20 अगस्त को। तो यस, तो ये आपके सबको पता है दोस्तों कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 20 अगस्त को आने वाली है। सो इस दिन आपको स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस जो इंतजार है इतने टाइम से वो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो साथ में ये जो आपको लिस्ट आएगी उसके साथ में आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। अब वो ज़रूरी बातें क्या हैं वो आपको पूरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक आपको देखनी है और आगे की बहुत सारी जानकारियों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन को ज़रूर आप ऑन कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके रिलेटेड आती है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास ऑनलाइन एडमिशन 20 अगस्त 2020, तो स्कूल मिलेगा आपको। तो देखें आपके लिए जरूरी बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो इस दिन आपके पास आएंगी, तो जरूरी बातें जो आपके काम आएंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए होने वाली हैं जो आपको ध्यान रखना है। सो इस दिन आपको पता चलेगा कि आपके कौन से स्कूल में एडमिशन मिला है। जी हाँ, आपको जो लिस्ट में आपका जिस स्कूल आपको शो करेगा तो दैट मीन्स आपको उसी स्कूल में रिपोर्ट करना है और उसी स्कूल में आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं या आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकंड काउंसलिंग तक का वेट करना पड़ेगा, जो कि अभी भी हमें क्लियर नहीं है कि सेकेंड काउंसलिंग कब होनी है। हालांकि होनी है लेकिन वो कब होनी है इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो इस दिन दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन से स्कूल में और किस स्ट्रीम में एडमिशन हुई है आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी आपने जब उसको चेक किया आपने जो भी आपके पास स्कूल अलॉटमेंट मिला है तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल अलॉटमेंट का प्रिंट आउट निकलवाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस स्कूल में आप जाएंगे वहां जो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर जो है आपके स्कूल का अलॉटमेंट का प्रिंट आउट निकालना है। हालांकि वहां जो टीचर्स होंगे उनके पास ऑलरेडी होगा, बट फिर भी आपको अपने पास रखना है अपनी रेफरेंस के लिए कि आपको ये स्कूल और ये स्ट्रीम मिली है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अब आपने क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखने हैं। अब आपको निम्न दस्तावेजों के प्रिंट आउट निकलवाकर एक साथ संभाल कर रख लेने हैं और ये जो प्रिंट आउट आप रखेंगे संभाल के, इन प्रिंट आउट को आपने जिस दिन आपने स्कूल जाना है आपको डेट बता दी जाएगी, वो जिस भी जो भी डेट होगी आपको उस डेट उस स्कूल में जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाने। तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाने हैं अपने स्कूल्स में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म का प्रिंट आउट। सो दोस्तों आपको याद होगा जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो एक आपने प्रिंट आउट लिया होगा जिसमें आपका सारा डिटेल्स ऊपर सबसे फॉर्म नंबर था, उसके नीचे सेकंड में आपने स्कूल प्रेफरेंसेस वगैरह। सो वो जो प्रिंट आउट का फॉर्म है वो आपको लेकर के जाना है। तो वो प्रिंट आउट का फॉर्म नंबर 2 10th की मार्कशीट। सो अगर किसी हो सकता है किसी बच्चों के पास जो 10th की मार्कशीट है वो डाउनलोड ना कर पाए हो, उसका रीज़न ये रहा कि वो बच्चों के जो मोबाइल थे उनका जो OTP आना था वो आधार कार्ड से लिंक वो किसी और नंबर से था, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आप 10th की मार्कशीट ना डाउनलोड कर पाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके जो 10th का रिजल्ट है अपने CBSE की वेबसाइट में जाना है और वहां से रिजल्ट अपना डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों ये रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सो आपने 10th की मार्कशीट अगर नहीं है तो आपने 10th का रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपने स्कूल से ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अपने स्कूल टीचर्स को प्लीज आप कॉन्टेक्ट करके उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिए। एक दो दिन में आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद फीस, सबसे इंपॉर्टेंट है फीस। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कितनी फीस लेके जानी है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ लास्ट वीडियोज में हमने बनाई हुई थी, उस वीडियोज में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी फीस आपको किस कैटेगरी के हिसाब से लेके जानी है। अब अगर आप कहोगे तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके फीस का लिंक जाके देख सकते हैं कि आपको कितनी फीस लेकर के जानी है। उसके बाद आपने 4 कलर्ड रीसेंट फोटोज,
पासपोर्ट साइज़, तो आपको पासपोर्ट साइज़ जो फोटोज़ हैं वो लेके जानी है, और एक फैमिली फ़ोटो आपने साथ में ले लेनी है जिसमें आपकी पूरी फैमिली हो। इसके बाद एक फेविकोल आपने साथ में रख लेना। अब ये फेविकोल क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या होता है आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी होती है और फिर आप ढूंढते फिरते हैं कि किसके पास फेविकोल है किसके, तो बड़ा मेंटली हरासमेंट होती है। तो आपने अपने जो कुछ चीज़ें हैं, पेन हो गया, फेविकोल हो गया, सीजर हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ में रख लेनी ताकि आपको वहाँ जाकर परेशानी ना हो। सो चार फोटो, फेविकोल, उसके बाद पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ, तो आपके पेरेंट्स का कोई भी एड्रेस प्रूफ आपने साथ में रख लेना है एक, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। आपने नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख के उस पर साइन कर देना, खुद अपने साइन करने, किसी से उसको अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, खुद ही उसके ऊपर साइन कर देने। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपने लेके जाना है, ये अपने अपने साथ में रख लेने जब आप स्कूल जाएंगे। तो फीस के लिए आप लोग ध्यान से जो पिछली वीडियोज हैं वो आप चेक कर लीजिए आपको कितनी फीस लेके जानी है। उसके बाद है स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट में, आपको स्कूल अलॉट होने के बाद क्वेश्चन ये है आपको कितना टाइम मिलेगा। तो दोस्तों आपको मुश्किल से 2 दिन मिलने वाले हैं, उन 2 दिनों में अब क्योंकि कोरोना वायरस है तो हो सकता है कि आपको वो जो टाइम है वो अलॉट कर दें कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको स्कूल में आना है। तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने अपने स्कूल में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट और अपनी फीस जमा करनी है। सो आमतौर पे जो टाइम है इससे पहले जो है वो जो टाइम वो 2 दिन का टाइम मिला करता था, लेकिन हो सकता है इस बार कोरोना की वजह से आपको थोड़ा आपको जो टाइम का शेड्यूल आपका बना दिया जाए कि किस बच्चे ने किस टाइम आना है, तो आपको उसी टाइम उसी स्कूल में जाना है और अपनी फीस और डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। सो उसके बाद आपको सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक फीस जमा करानी होगी, और वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब स्कूल जाना है, जिस जो भी स्कूल आपको अलॉट होगा उसमें सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ही आपकी फीस सबमिट होगी, और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लेके जाने। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, फॉर्म भूल जाएंगे या कुछ और चीज़ भूल जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने। आप प्लीज उसके ओरिजिनल्स और उसकी फोटोकॉपी दोनों चीज आप लेके जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ओरिजिनल तो ले जाएं और फोटोकॉपी ले जाना भूल जाएं, तो वहां पर जाके फिर फोटोकॉपी की दुकान ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इधर उधर फिर दौड़ना पड़ता है, तो बड़ा मतलब आदमी परेशान होता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग परेशान हो। तो इसलिए आप लोग इस अपने घर से जब जाएंगे तो फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, उस पर फोटोकॉपी के ऊपर साइन करके जाएंगे, और साथ में आप अपने ओरिजिनल जरूर लेके जाएंगे और फीस अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। तो अब चेक कर लें कि आपके फॉर्म पर आपके और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर जरूर हों। तो दोस्तों ये भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं जब हम लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कई बार हमारे जो फॉर्म है उस पर सिग्नेचर पेरेंट्स के रह जाते हैं। आप देखेंगे कि जो फॉर्म हमने प्रिंट आउट निकाला है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकाला है, तो उसके पीछे पेरेंट्स के सिग्नेचर है, तो आप उन सिग्नेचर को अपने पेरेंट्स से जरूर करा लीजिए। तो उन सिग्नेचर को करा के और अपने भी सिग्नेचर जहां पर होने हैं वहां पर सिग्नेचर करा के, और अपनी फोटोज आप जरूर 4 अपने साथ लेके जाइए। सो ये आपने जरूर चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद फीस जमा कराने के लिए अपने साथ एटीएम कार्ड भी लेके, अगर हो अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ आप लोगों ने एटीएम कार्ड ले लेना है, क्योंकि ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये सिर्फ एक अंदाज़ा मुझे मैं लगा रहा हूँ कि हो सकता है इस बार क्योंकि कोरोना है, तो कोरोना की वजह से क्या पता जो हो सकता है कि आपकी जो फीस है वो कैश में ना लेके या तो एटीएम के थ्रू या किसी और मेथड से वो ली जाए, तो इसलिए अगर हो सकता है पॉसिबल हो, ये मैं कंपल्सरी नहीं आपको बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप अपने साथ अपना एटीएम कार्ड जरूर लेकर के जाए। इससे क्या होगा कि अगर वहां पर स्वाइप मशीन लगी होगी तो आप इजीली स्वाइप करके वहां से ले सकते हैं, इससे आप लोग भी कोरोना से बच जाएंगे और जो जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कंपल्शन नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये थी आपके लिए वीडियो कि आपको उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्लस वन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिनकी 20 तारीख को लिस्ट आने वाली है, ताकि वो उस दिन जाके परेशान ना हो, वीडियो देख के वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, होप सो आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी, आप उस दिन परेशान होने से बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।